क्योंकि हम लोग सेंट्रल में रहते हैं, वेस्टर्न में जाना नहीं होता है, तो आपको तो मालूम रहेगा कि मेट्रो सर्विसेज चालू हुई है। हमारी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग हो चुकी है और यहाँ से अभी हम हमारा टिकट स्कैन करेंगे और एंट्री मिलेगी हमको। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से और आप देख सकते हो ये ट्रेन काफ़ी खूबसूरत है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया रहेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं बैकग्राउंड में, हम एक स्टेशन पे है, तो दिस इज़ थाने स्टेशन। आपको मालूम है मैं थाने में रहता हूँ और आज मैं एक अलग तरीके का वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग सेंट्रल में रहते हैं, वेस्टर्न में जाना नहीं होता है, तो आपको तो मालूम रहेगा कि मेट्रो सर्विसेज चालू हुई है। घाटकोपर से बरसोवा के लिए ऑलरेडी तो चालू हो चुकी थी, लेकिन और दो नई लाइन चालू हुई है, तो हम उसी को हम एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं, ताकि जो सेंट्रल ट्रैक पर रहते हैं उनको भी पता चले कि एग्जैक्टली इसका कनेक्टिविटी कैसा है। तो अब मैं थाने से मैंने टिकट निकाला है घाटकोपर का, तो अब मैं घाटकोपर जाता हूँ, फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। सो गाइस यहाँ पे किसी वजह से मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, इसीलिए मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि मैं घाटकोपर स्टेशन पे पहुँच गया हूँ और अभी मैं यहाँ से ब्रिज लूँगा। ब्रिज से मुझे घाटकोपर वेस्ट जाना है, क्योंकि जो मेट्रो स्टेशन है वो घाटकोपर वेस्ट से स्टार्ट होती है, तब मैं ब्रिज पे जा रहा हूँ। सो गाइस अब मैं ब्रिज ये चढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हो राइट में वेस्ट है और लेफ्ट में ईस्ट है, तो अब मैं वेस्ट जाऊँगा, जहाँ से मुझे मेट्रो स्टेशन के लिए अलग एक ब्रिज लेना पड़ेगा। सो गाइस ये सामने जो अभी दिख रहा है ये मेट्रो स्टेशन की एंट्री है। ये ब्रिज से मतलब ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं। ये जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो आई विल बी एंटरिंग द मेट्रो स्टेशन विच इज़ घाटकोपर वेस्ट में। सो गाइस अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने मेट्रो का टिकट ले लिया है, मतलब मुझे अभी यहाँ से घाटकोपर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से मुझे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बिस्लरी मेट्रो स्टेशन जाना है, क्योंकि वहीं से हमको हमारा जो गुंदौली स्टेशन है, जो 7 मेट्रो 7 है, येलो जो मेट्रो 7 है रेड लाइन, वो स्टार्ट होता है। तो चलो अभी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म पे जहाँ से हम मेट्रो लेंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं बिस्लरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन पे। तो मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने जहाँ से मैंने टिकट खरीदा घाटकोपर स्टेशन पे, उन्होंने कहा कि यहीं से आपको कनेक्टिविटी मिलेगा टू गुंदौली स्टेशन। और तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, पहले हम नीचे जाएंगे स्टेशन में, इसका नज़दीक का कनेक्टिविटी क्या देखेंगे, बाद में हमको मैं दिखाऊँगा कि यहाँ से ये जो गुंदौली स्टेशन है उसका कनेक्टिविटी कहाँ कैसे है। देख सकते हो सामने ये बोर्ड है टुवर्ड्स रेड लाइन, जो गुंदौली स्टेशन है वो रेड लाइन कहा जाता है। तो आप देख सकते हो दिस इज़ द रेड लाइन, ये रेड लाइन जाने के लिए यहाँ पे ये बोर्ड लगा है कि यहाँ से आपको जाना है रेड लाइन के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स भी, जैसे बर्गर किंग भी है। तो अभी हम नीचे जाते हैं पहले और उसके बाद ये वाले सेक्शन में एंटर करेंगे। तो अभी हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, नीचे जाएंगे बाहर। मैं एस्केलेटर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक हाथ में कैमरा है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं कैमरा में भी देख रहा हूँ। सो गाइस ये हमारा टिकट है, तो घाटकोपर से गुंदौली आने का जो टिकट तो था वो 30 रुपीज़ का था। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्ज़िट और एंट्रीज़ है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। अभी हम ये नीचे जा रहे हैं, अभी एस्केलेटर ले रहा हूँ मैं। सो गाइस अभी हम बिस्लरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्टेशन के बाहर आए हैं, मतलब मेट्रो स्टेशन के नीचे आए हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हो ये जंक्शन है, ये है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा आसपास का एरिया देखेंगे और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। सो गाइस अभी हम आसपास का एरिया घूम के आए और अभी फिर से हम लोग चढ़ रहे हैं मेट्रो स्टेशन पर, जो गुंदौली मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से अभी हम लेंगे रेड लाइन, तो चलो अभी यहाँ से टिकट निकालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम एस्केलेटर ले रहे हैं, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, बस हो गया अभी, क्योंकि आज काफ़ी सारे काम है। मैं निकला हूँ तो सोचा बहुत सारे काम कर लूँ, तो ये दिखा रहा है दिस इज़ दी एंट्री फॉर रेड लाइन। सो गाइज अभी यहाँ से अगर आप कनेक्टिविटी ढूंढ रहे हो फॉर दहीसर, मतलब गुंदौली स्टेशन,
तो अभी हम हैं बिस्लरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्टेशन पे और यहाँ से हम जा रहे हैं गुंदौली स्टेशन। तो ये सामने आप जो कुछ दिख रहा है ये सॉर्ट ऑफ स्काईवॉक जैसा बना है जो आपको गुंदौली स्टेशन कनेक्ट करता है। आपको अगर याद है तो मैं ये सामने से नीचे गया था, बस इसी के पास में ये कनेक्टिंग ब्रिज है। ये भी कुछ रिकॉर्ड टाइम में बनाया था, मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं सबटाइटल्स में दे दूंगा। और ये ब्रिज हमको करता है मेट्रो 7 लाइन, सॉरी ये है मेट्रो 7 लाइन, ये जो सामने दिख रही है मेट्रो 7 लाइन है और ये हमको गुंदौली दहिसर ईस्ट इस मेट्रो लाइन को कनेक्ट करता है। अभी हम यहाँ से टिकट निकालेंगे, देखते हैं कितना किराया है। वैसे तो मैं पूरा राउंड ट्रिप करने वाला हूँ, मतलब दहिसर ईस्ट से गुंदौली स्टेशन से मैं निकलूँगा और सीधा अंधेरी वेस्ट में जाऊँगा मैं, वो घूम के जाता है मतलब दहिसर से, दहिसर ईस्ट से दहिसर वेस्ट और फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से ये फिर ये SV रोड की तरफ से ये अंधेरी वेस्ट जाता है। स्टेशन तो काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हो साइड में जिसके प्लांटेशन प्लांट्स वगैरह लगे हैं तो आंखों को ये सूदिंग लगता है। तो ये दिखाया है राइट साइड में टिकट ऑफिस है, तो अभी हम लोग टिकट निकालते हैं। तो अब देख सकते हो इसका इनॉग्रेशन हुआ था भाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। दिस इज मुंबई मेट्रो लाइन 7 एंड 2 फेज 2, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको अगर फेयर कैलकुलेट करना है कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन है। तो ये मेट्रो ट्रेन का मैप भी है और ये इसका फेयर भी है, फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और ये डायग्राम है मेट्रो का। ये जो हाईलाइटेड है ये एग्जिस्टिंग वर्किंग लाइंस है और जो बाकी के हैं जो ग्रे आउट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें आपको थाने भी दिखेगा जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो बहुत जल्दी थाने में भी मेट्रो आने वाली है। तो चलो बहुत टाइम यहाँ पे हमने बिताया, टिकट निकालते हैं फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। सो गाइस हमने ये अभी टिकट निकाला है, दी राउंड ट्रिप जो है मतलब गुंदौली से लेके अंधेरी वेस्ट, इसका कीमत है ओनली 60 रुपीज़ विच इज़ क्वाइट चीप। तो चलो अभी हमको बताया गया कि हमको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना है, तो अभी चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी बैग की स्कैनिंग होगी और फिर हमको एंट्री दी जाएगी। सो गाइस अभी हमारी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग हो चुकी है और यहाँ से अभी हम हमारा टिकट स्कैन करेंगे और एंट्री मिलेगी हमको। हमको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो इस तरफ पड़ता है। आप देखोगे अच्छी तरह से यहाँ पे मार्किंग्स दी गई है कौन से स्टेशन कहाँ पे आते हैं, कौन से स्टेशन पहला आता है, कौन से स्टेशन बाद में आता है, और काफ़ी साफ़ सुथरे स्टेशन है। नो डाउट अभी नया है लेकिन काफ़ी सारा स्टाफ है जो क्लीनिंग विनिंग का ध्यान देता है। चलो अभी हम आ चुके हैं ऊपर प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस आप देख सकते हो जो पुरानी लाइन और ये लाइन में ये फ़र्क है कि यहाँ पर ये डोर्स है, ऑटोमेटेड डोर्स है, मतलब जब भी ट्रेन आती है तभी ये खुलते हैं। तो ये सिक्योरिटी मेजर है ताकि बहुत सारे लोग, मतलब अभी ये मैं नहीं कहूँगा कि बेवकूफ़ है लेकिन सुसाइड विसाइड करने की कोशिश करते हैं या तो कुछ एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, तो ये इन लोगों को ये सब करने के लिए आसानी नहीं होगी, इसी वजह से ये ऑटोमेटेड डोर्स है। तो ये ऑटोमेटेड डोर्स अच्छा खासा एक सिक्योरिटी मेजर है। तो चलो अब यहाँ से आगे निकलते हैं और अभी ये ट्रेन बोर्ड करते हैं जैसे ही ट्रेन आती है। तो गाइस अभी हमने इन अटेंडेंट को पूछा, मैंने वीडियो नहीं निकाला क्योंकि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते वीडियो में। तो ये जो ट्रेन अभी आई है तो ये अभी आगे जाएगी और फिर ट्रैक करके इस तरफ आएगी और फिर हम इसको बोर्ड करेंगे। सर गाइस और एक चीज़ हमने देखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ये फॉर लेडीज़ ओनली, तो ये जो डोर से फॉर लेडीज़ है और जेंट्स के लिए ये वाले डोर है। तो कंपार्टमेंट अगर बाइफोकेशन नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ये गेट वाइज बाइफोकेशन करके लेडीज़ और जेंट्स को इन लोग अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं विच इज़ मच रिक्वायर्ड इन इंडिया। तो ये जो ट्रेन हम अभी बोर्ड करने वाले हैं 11:32 की ट्रेन है। तो गाइस और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुंदौली जो स्टेशन है ये अंधेरी ईस्ट में पड़ता है,
तो अंधेरी ईस्ट में ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से पैरेलल ही ये मेट्रो लाइन है जो दहीसर तक जाएगी। दहीसर से ये लोकल ट्रेन का जो लाइन है उसको क्रॉस करके ये वेस्ट में जाएगी और वहाँ से ये पैरेलल टू एसवी रोड ये वापस अंधेरी वेस्ट आएगी। तो ये आ चुकी है हमारी ट्रेन, इसे रेड लाइन भी कहा जाता है। मतलब यहाँ मेट्रो और ट्रेन का यूजुअली बाइफर्केशन होता है कलर कोड से, तो दिस इज़ द रेड लाइन। हम अभी एंटर कर रहे हैं, आप देख सकते हो वेरी ब्यूटीफुल, कोई भी नहीं है, खाली है। सो गाइस डोर बंद हो चुके हैं और शायद से अब ये ट्रेन निकल जाएगी। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से और आप देख सकते हो ये ट्रेन काफ़ी खूबसूरत है। जो घाटकोपर से वर्सोवा के लिए जो मेट्रो चलती है और ये वाली में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मतलब इंटीरियर जो कलर है उसमें भी बहुत फ़र्क है। जैसे आप देख सकते हो ये हैंडल्स काफ़ी आसान होते हैं क्योंकि तीन रो में लोग खड़े होते हैं जबकि उसमें सिर्फ एक ही रो में हैंडल है और तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात है ये जो बीच वाला ये जो पोल है वो वाली ट्रेन में ऊपर एक ऐसा गोल है तो आपको गोल खड़े रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ से आप अलग अलग लेवल पे पकड़ के किसी के नज़दीक खड़े रह सकते हैं। तो अच्छा खासा स्पेस मैनेजमेंट किया गया है यहाँ पे। तो इस और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप अपनी साइकिल भी ला सकते हो। मतलब ये जो अटैचमेंट है इसमें आप साइकिल का पहिया अटका के इसको घड़ी कर सकते हो और अपनी साइकिल साथ में लेके जा सकते हो। और यहाँ पे ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, मतलब आप ये USB भी है और एक नॉर्मल आउट प्लग भी है, मतलब आपके पास चार्जर है तो आप इसमें लगा के सीधा चार्ज कर सकते हो या तो यहाँ से सीधा केबल लगा के मोबाइल चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा ये यहाँ पे ये फोल्डेबल सीट्स है। तो चलो पहला स्टेशन आ चुका है। यहाँ पे ये स्क्रीन्स लगाई गई है, मतलब इंस्टेड ऑफ जो बोर्ड होते हैं जिसमें LED के बल्ब होते हैं जो आगे आगे बढ़ते हैं, तो आपने देखा कि वो वाले ट्रेन में एक छोटे LEDs थे जो आपको बताते हैं कौन से स्टेशन पे ट्रेन है, अभी अगला स्टेशन कौन सा है। लेकिन यहाँ पे ये स्क्रीन्स है, स्मार्ट स्क्रीन्स है जो आपको बताते हैं कि आपकी गाड़ी अभी कहाँ पर और आगे आगे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे एरो बढ़ रहा है। तो ये सारे स्टेशन्स हैं, जैसे गुंदौली से हम निकले थे, जोगेश्वरी गुरुआ भी आया है, अभी आगे आएगा आरे, फिर तुरार, पोईसर, देवपड़ा, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। आप देखोगे जैसे ये ट्रेन आगे के डिब्बे जा घूमते हैं उस हिसाब से आपको ये कॉरिडोर से पूरा देख सकते हो। तो दोस्तों मैंने बोला था आपको कि जोगेश्वरी चला गया, लेकिन जैसे गलती होगी, जो पहला स्टेशन था वो था मोगरा और अभी हम जोगेश्वरी क्रॉस कर रहे हैं। अगला स्टेशन आएगा गोरेगांव ईस्ट। अभी हम ईस्ट वाले सब एरियाज वो कवर करेंगे और दहीसर से जब ये ट्रेन घूमेगी तभी हम वेस्ट वाले सब स्टेशन कवर करेंगे।
देख सकते हो ये बंदे ने साइकिल लाई है। सुरेश हमने देखा, हमने देखा आप यहाँ पे साइकिल रखने का भी बंदोबस्त है, तो वहाँ पे आप साइकिल लगा सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, खड़ी रहती है जिसकी वजह से मतलब जगह की भी दिक्कत ना हो। अभी हम ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, आप देख सकते हो नीचे से लोकल ट्रेन की लाइन जा रही है। अभी हम आ चुके हैं वेस्ट में, ये सामने सारे मैंग्रोव है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं धानुकरवाड़ी स्टेशन। अभी हमको ये जो सामने दिख रहा है ना उस तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ से हम अभी अंधेरी वेस्ट वाले स्टेशन जाएंगे। तो चलो अभी हम उस तरफ चलते हैं, फिर आपको वापस बताते हैं। तो गाइस हमको अभी यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, तो चलो हम एस्केलेटर लेते हैं, बहुत होगी सीढ़ियाँ। सो गाइस हमको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगा, मतलब 11:30 बजे हम निकले थे बुंदेली स्टेशन से अंधेरी ईस्ट, और अभी हम पहुँचे हैं धानुकरवाड़ी, विच इज़ अभी 12:30 हो रहे, तो 1 घंटा लग गया हमें। तो अभी चलो ये सामने ये ट्रेन है, इसको हम बोर्ड करते हैं। अरे यार ये बंद हो गई, गजब बेइज्जती है। अभी अगले स्टेशन अगले ट्रेन के लिए राह देखनी पड़ेगी हमको। तो गाइस जैसे मैंने कहा दिस इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल, मतलब 60 रुपीज़ ये राउंड जर्नी के लिए, मतलब अंधेरी ईस्ट मुंदौली स्टेशन से हम लोग अंधेरी वेस्ट में वहाँ पे जाएंगे, मतलब ये पूरा यू टर्न लेके, मतलब हम आए थे अभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से, अभी हम SV रोड से अंधेरी वेस्ट जाएंगे, तो उसके लिए 60 रुपीज़ काफ़ी कम है। जबकि हमने जो पहले वाला हमारा जर्नी लिया था जो घाटकोपर स्टेशन से बिस्लरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वाला, उसका एक हार्डली कुछ डिस्टेंस था, उसको हमको लगे थे 30 रुपीज़। पॉसिबली वो रिलायंस का है इसकी वजह से ज़्यादा है, और ये MMRDA ने किया है इसकी वजह से कम है, अभी मुझे ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं है। तो चलो अभी देखते हैं अगली ट्रेन कौन सी आ रही है। गाइस ट्रेन आ चुकी है, हार्डली 5 मिनट लगे, अभी इसको बोर्ड करेंगे। ओके अभी इन लोग ये रोर अलाइन कर रहे हैं। ये ट्रेन भी लगभग खाली है, इसके पहले वाली जो निकली हमारे से मिस हुई ना उसमें काफ़ी लोग थे, बट इसमें कोई भी नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे भी एक एक्सटेंशन है, पता नहीं ये कुछ अभी तक डेवलपमेंट के फेज में, तो ये रेडी हो जाएगा तो यहाँ से भी आगे ट्रेन जाएगी, शायद से मीरा रोड से आगे निकल जाएगी। यहाँ पे हर कंपार्टमेंट में ये एक फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाया गया है। शायद से ये भी मेट्रो का कोई कनेक्शन है, देख सकते हो।
तो गाइस हम लोग अभी अंधेरी बस पहुँच चुके हैं, तो अभी ट्रेन से उतर रहे हैं। तो ये जर्नी हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो गाइस 1:01 हो चुका है, मतलब 11:30 का हम लोग निकले, ऑलमोस्ट 1.5 आवर में मेट्रो स्टेशन जो अंधेरी ईस्ट में पड़ता है वहाँ से अंधेरी वेस्ट, मेट्रो स्टेशन जो अंधेरी वेस्ट में पड़ता है इसको 1.5 घंटे का जो सफ़र था हमने पूरा किया। स्टेशन का जो सेटअप था, मतलब गुंजौली स्टेशन से हम जब भी निकले थे वो सेटअप और ये सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये वाटर डिस्पेंसिंग मशीन है, या तो आप डायरेक्टली पी सकते हो या तो ये सामने यहाँ पे आप बॉटल रख के भर भी सकते हो, विच इज़ अ गुड फैसिलिटी, क्योंकि मुंबई जैसे सिटी में जहाँ पे इतनी गर्मी होती है लोग अगर अपना बॉटल कैरी करते हैं तो एटलीस्ट उसको रीफिल कर सकते हैं। तो गाइस और एक चीज़, मैंने अभी इनका वॉशरूम शुरू किया, जैसे आपको मालूम है कि ये ट्रैक शुरू हुआ था 19 जनवरी को, मतलब हार्डली 1 महीना हो चुका है, लेकिन काफ़ी सारे इनके जो पैनल्स है, स्टील पैनल्स है, उनमें जंग लग गया है। मतलब 1 महीने में जंग लगना, मतलब इट मीन्स दैट जो क्वालिटी ऑफ जो मटेरियल यूज़ किया वो बराबर नहीं है, तो उसके बारे में इनको ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा जो टॉयलेट्स थे, मतलब साफ थे बट नॉट अप टू द मार्क, जो मेट्रो लाइन्स है उसके इतने सारे यहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ है तो काफ़ी साफ होना चाहिए था। अभी मुझे मालूम नहीं कि ये एक इसी स्टेशन पे है या सारे स्टेशन पे यही हाल है, लेकिन अभी मैंने मुझे जो दिखाई दिया मैंने बस वही मैं बयान करा हूँ। तो चलो अभी हम लोग अंधेरी स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, अभी यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे। सो गाइस हम स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, मैंने हिसाब से पूरी डिटेल्स देने की कोशिश की आपको, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं सबटाइटल्स में या तो कुछ एडिशन डाल दूंगा इसमें। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कंटिन्यू सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।